नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर निकाली बाइक रैली, डीएम कार्यालय पर जमकर की नारेबाजी। जिले में मंगलवार को शिक्षक और कर्मचारियों ने जौनपुर जंक्शन से बड़ी संख्या में बाइक रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, डीएम कार्यालय पहुंचकर सभी प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। मांग उठाई कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, कलेक्ट्रेट में एक स्थान दिया जाए जिसको मिनी सचिवालय के रूप में बनाया जाए। शिक्षक नेताओं ने सांसद और विधायकों के पेंशन व्यवस्था पर हमला करते हुए कहा कि वे 30 साल तक काम करके पेंशन के हकदार नहीं है और लोग 3-4 पेंशन ले रहे हैं। बता दें कि जिले में शिक्षक और कर्मचारियों के गुट ने बाइक रैली निकाल कर अपना विरोध दर्ज किया। बाइक रैली नगर के भंडारी स्टेशन से निकलकर डीएम कार्यालय पर पहुंची। रैली ने पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में चक्रमण किया। इसके बाद डीएम कार्यालय के सामने नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो उनका संघ पहले डीएम कार्यालय का घेराव करेगा और उसके बाद वे लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे। संगठन के अध्यक्ष शिवमोहन श्रीवास्तव और अरविंद शुक्ल ने मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय ज्ञापन SDM अमिताभ यादव को सौंपा। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।